Guys, good morning, good evening. Good evening, can you all hear me? This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu Biotonic, India's truly most loved, most trusted bio channel, I welcome you all to the NEET 2021 mock test series. The top 90 questions ka NEET mock test on structural organization in plants and animals. So, good evening, my lovely mascots. Kaise hain aap log sab? How are you doing? Ready? Morphology, anatomy, and structural organization. ये पूरी यूनिट का टेस्ट है, सिर्फ कॉकरोच पे 90 क्वेश्चन नहीं है. दिस इंटायर यूनिट इज ऑन टेस्ट. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. हाउ आर यू डूइंग एवरी सिंगल वन? यस, डन. चले फिर आगे बढ़े. आलिया भट्ट आती है जैसे ही आपका क्लास स्टार्ट होती है. वाह 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 वाह. आई थॉट सो, मैंने कल परसों नहीं देखा. यस, चलिए. Brunal, no, I'll be back home tomorrow, and Monday onwards we will have classes on the big screen. Good evening, hi fi, satsrikal, adab, namaste. कैसे हैं आप सब? खुशामदीद. चलिए शुरू करते हैं. Guys, हमारे बच्चे ने टॉप रैंक लेकर आया है. Indian Olympiad qualifies in biology, asked by student. And guys, क्या आप अपने पेरेंट्स को देख पा रहे हो बैकग्राउंड में? What happens when Vani ma'am meets parents? Yes, as सचिन सर कहते हैं एकदम भोकाल. Yes, so मतलब it's going to be next level amazing. Yeah, your parents are so amazing, so pretty, so smart, so intelligent. आदाब जील जी. तो मतलब कल तो एकदम होने वाला 5 PM ये going to be, and मेरे को तो जी भर के चुगलियां करनी है आप सबकी, आपके पेरेंट्स के साथ. Tomorrow morning 10 AM negative marks को अवॉइड करने का सिर्फ एक सीक्रेट है, एक छोटा सा सीक्रेट है, जिसके बाद आपके कभी भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे. आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग दैट सीक्रेट विद यू टुमारो मॉर्निंग शार्प एट 10 AM. डन 5 मिनट्स के अंदर आई विल शेयर द सीक्रेट. विल बी टाइम ओवर एंड लेट्स इग्नाइट. स्टे अहेड, गेट बैक अप ऑन योर फीट अगेन. लेट्स इग्नाइट योर ड्रीम विद बायोटॉनिक मंडे 10 AM. क्या होने वाला? इग्नाइट. आपके ड्रीम्स कैसे होंगे? इग्नाइट. यस, that's going to be so super amazing. Life in medical colleges, India's best medical colleges में कैसी जिंदगी होती है मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप पढ़ने में थोड़ा ध्यान लगा दो. एंड उसके बाद तो ऑब्वियसली हम शाम को तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स पे मेंटी कंप्लीट थ्योरी मैराथन, एनसीईआरटी फुल रिवाइज कर लेंगे यार क्लास 12 के लिए. क्या कहते हो? यस, एक एक चैप्टर, एवरीथिंग, पूरी एनसीईआरटी रिवाइज कर लेंगे. एनसीईआरटी फुल रिविजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स. मैम लोगो दे दो ना. व्हाट? कौन सा लोगो चाहिए बेटा? अच्छा, वो लोगो यार, प्लीज कोई लोगो दे दो बेटा. मरियस लाइक कौन सा बच्चा मांग रहा है? राजरतन मोरे को. ठीक है राजरतन, मैं दे दूंगी आपको. आई विल गिव दैट ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. डन डन डन. लोगो मैं लिख लेती हूँ. आई विल शेयर द लोगो विद यू. ओके डोकी. चलो तो मैं लोगों आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. टेंशन तो लेनी नहीं है, और टेंशन तो देनी होती है, लोगों को लेनी नहीं होती. बायोटॉनिक में तो टेंशन नहीं लेनी होती. चलो स्टार्ट करें. टेल योरसेल्फ आई कैन अचीव एवरीथिंग. 90 क्वेश्चन, एटलीस्ट 85 क्वेश्चन सही करेंगे हम. 2 या 3 क्वेश्चन गलत करेंगे और 1-2 क्वेश्चन छोड़ देंगे. डन डन. आलिया आपको भी. यस, तो हम कितने क्वेश्चन सही करने की उम्मीद लगाकर बैठे हुए मेरे टुन्नू गैंगस्टर्स? 90 के 90 क्वेश्चन में से देखते हैं. एनसी आपका वो खुल चुका है. हैव यू ओपन योर ओएमआर शीट्स? यस, डेफिनेटली. दृष्टि, आपके पेरेंट्स को, हर किसी के पेरेंट्स को, गाइस सब चैट बॉक्स में रहना. एंड चैट बॉक्स में मैं आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी दे दूंगी, उसका गूगल मीट का. तो हमारा उस दिन कोशिश रहेगा कि सबके पेरेंट्स के साथ मिले. दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट इट ऑन अ संडे, सो दैट सबके पेरेंट्स घर पे रहें एंड वी विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद एवरीबॉडीज पेरेंट्स. राइट, स्क्वाड्स बना लीजिए, कल वोट भी कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. हैव यू ऑल प्रेस द बेल आइकॉन? राइट, हैव यू ऑल प्रेस द बेल आइकन? सो लेक्चर स्टार्ट हो चुका है गाइस. चलिए टाइम हो चुका है, सो दैट यू डोंट मिस आउट इवन ऑन वन लेक्चर. फटाफट मेंटी पे आ जाइए, menti.com ओपन करके रख लीजिए. मैं आपको फटाफट कोड देने वाली हूँ. यू शुड नॉट मिस इवन वन सिंगल लेक्चर. डन, चले. यस, सब बच्चों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को प्रेस कर लिया, सो दैट यू आर नॉट मिसिंग ऑन एनी लेक्चर. बायोटॉनिक का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. बायोटॉनिक फॉर नीट टेलीग्राम ऐप पे डाउनलोड करिए, एंड वहां पर जाकर यू कैन इवन फाइंड आउट मी, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, एंड यू कैन पर्सनली मैसेज मी. बहुत बच्चों ने पीटीएम का मुझे पर्सनल मैसेज किया, मैंने सारे बच्चों को आई हैव गिवन दी लिंक. राइट, सो टुमारो 5 o'clock इज गोइंग टू बी सुपर धमाल. बिफोर आई मूव अहेड, मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज अपने पेरेंट्स से बताइए और मुझे प्रॉमिस कीजिए दैट दिस ईयर यू आर नॉट गोइंग टू लेट डाउन योर गार्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और आप किसी एक ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूट या ट्रस्टवर्दी टीचर के साथ मिलकर बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे, जैसे आप बायो में कर रहे हैं. हमने क्या किया इन द बैचेस दैट आई एम डीलिंग विद इन वेदांतु, इन वेदांतु हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इंग्लिश, हिंदी बैचेस बनाए हैं। अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज चला दिए, फुल बैच तो चलेगा, पर मुझे पता है कि यार बैच के बीच में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बैच चल रहा होता है पर बीच में कई बार बच्चों को कुछ चीज समझ में नहीं आती, तो मैंने आपको अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स का एक्सेस दिया। आप हजारों माइक्रो कोर्सेज देखिए, मैं आपको आपके लॉन्ग टर्म सेशन के साथ फ्री में बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराऊंगी, फ्री में केवीपीवाई की तैयारी कराऊंगी और एंड में फ्री में क्रैश कोर्स भी दूंगी। 16 आवर्स ऑफ क्लासेस एवरी वीक, 16 घंटे की क्लासेस, 13 किताबें आपको दी जाएंगी, 13 बुक्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टू यू, राइट। दिस इज 20 टेस्ट्स एवरी 15 डेज में आपका टेस्ट होंगे, महीने में 2 टेस्ट, क्लास के बाद असाइनमेंट्स हर क्लास के बाद। 150 से कम स्टूडेंट्स ये क्लास में रहेंगे और क्लास में क्लास टीचर्स का सपोर्ट होगा जो आपके डाउट्स लेंगे, पर्सनल टीचर्स का सपोर्ट होगा जो आपको मेंटरशिप देंगे। क्लास में आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक डाउट्स पूछ सकते हो, अनलिमिटेड डाउट्स, 50 डाउट्स से ज्यादा तो कभी किसी को नहीं आते, एट अ प्राइस ऑफ जस्ट ₹29.70। देखिए, यूज करके तो देखिए, वीडी प्रो कोड लगाइए, इससे अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री आपको कहीं नहीं मिल सकता, ये मेरा आपसे वादा है, आई प्रॉमिस इट टू यू। चलिए अभी फटाफट पहले ऐसे menti.com विंडो ओपन कीजिए, चलिए जल्दी से एक विंडो ओपन कीजिए menti.com और इस विंडो में आप अपना कोड डालिए, द कोड हैज टू बी 2062949, तो कोड है आपका 2062949। चलिए इसको कर दीजिए आप सबमिट और आ जाइए। Yes, Jasleen, you can come with your parents, you can come with your mom, you can come with your dad. Definitely, you all are most welcome to come for the parent-teacher meeting. And your parents are most welcome to ask whatever doubts, whatever problems you have. So the code is 2062949. Let's get started quickly. Menti.com class start हो चुकी है, 2062949 आपका कोड है, आ जाइए 2062949। आइए, come on quickly, class is started. Let's do the maximum number of questions that we can. Quick. आज अपने को टाइम कितना दे रहे हो आप लोग, कितने टाइम में आपने क्वेश्चंस खत्म करने हैं ये बताइए। व्हाट इज द टाइम दैट यू गिविंग योरसेल्फ, कि इतने टाइम में तो मैंने क्वेश्चंस अपने खत्म करने हैं। 90 क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तिलोत्तमा विल हैपन ऑन मंडे, सो फ्रॉम मंडे नॉन स्टॉप एनसीईआरटी वी आर गोइंग टू बी डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन मंडे। क्विज इज नॉट ओपन, नो क्विज इज ओपन, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, लीजिए मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देती हूँ। अफशान, प्रीर, आंचल, 2062949। Now can you all see it? कर लिया रिफ्रेश वैष्णवी, स्टार्ट कर दे, ओपन नाउ, एवरी मिनट इज प्रेशियस। आशिता हैज इट ओपन, यप, एक बार रिफ्रेश कर लो अपनी साइड से, इट्स इल ओपन अप। जस्ट रिफ्रेश वंस फ्रॉम योर साइड प्लीज। डन, सो आई एम ओपनिंग अप स्टार्टिंग इन 5, 4, 3, 2, करेक्ट। एवरीबडी आई वॉन्ट ऑन द क्लास गाइज, नो मिसिंग, नो बंकिंग, फुल यूनिट का टेस्ट है। चलिए, सो आई एम स्टार्टिंग नाउ क्विकली, वी आर स्टार्टिंग एंड आई विल गिव यू 60 मिनट्स टू सॉल्व 90 क्वेश्चंस। फुल यूनिट का टेस्ट है, नीट मॉक टेस्ट यूनिट बाय यूनिट दीजिए सो दैट योर यूनिट्स बिकम स्ट्रॉन्गर एंड यू नो वेयर एग्जैक्टली यू आर गूफिंग अप एंड योर यूनिट्स आर नॉट गुड, सो दैट यू कैन सिट एंड रिवाइज एट होम। चलो, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है जी राइट नाउ, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। चलिए, खील, ट्यूलिप, इंडिगोफेरा, एलो, टोमेटो, स्पीड अप, डाइकोट्स, मोनोकोट्स किसमें होता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली, कील किसमें होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक किसमें होता है, डेजावू, वंदना, कमॉन, भावना, दिव्या, वंदना आपको तो सीट लेकर आनी है इस साल, हिमांशु, श्रेया, तियाशा चैटर्जी, कमॉन तियाशा, दिव्या उदासी, अमर शेख, फारूक खा, एवरीबडी कमॉन, क्विक 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 क्विक, फुल स्पीड ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ, एवरी सिंगल वन। कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ऑन योर स्क्रीन 100% राइट आंसर। इंडिगोफ्लेरा, नो इट्स फाउंड इन जाइगोमॉर्फिक, ट्यूलिप में नहीं होता है, ट्यूलिप में टेपल्स होते हैं, कील नहीं होता है। वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। I want to finish 45 questions in just about 20 minutes. The wheat grain has an embryo with one large shield-shaped cotyledon, shield, ढाल shape का wheat grain, monocot है, dicot है, क्या कहलाता है? Scutellum, polyptyche, coleoriza, epiblast. Come on, speed up. No talking, no here and there, no chats. मैं chats को disable करने वाली हूँ. चलिए. Wheat grain, monocots, one large, one is an answer. So it is a monocot, shield-shaped, ढाल shape का embryo cotyledon होता है. Kidney shape का नहीं बोला है. Right? It's not kidney shape. Come on, speed up. 5, 4, 3, 2, 1. Speed up. Let's make it 20 seconds for the next one. 3, 2, 1. Time is up. Yes, it has to be scutellum. Monocots, it's got to be scutellum. Well done. Well done. Well done. It is scutellum. Well done. Next question on the screens, please. Speed up. Full speed. This is the way you have to answer in your exams also. Chaliye. No talking. No looking. Ginger. Zingiber officinale, ginger, close your eyes, answer in the chat section also, speed up, rhizome, offsets, bulbil, runner, answer in the chat section, come on, Tarun, Nera, Kalpana, what's up bro, Divya, Priyanka, Nagvasini, Varun, Divya, Hani, Charan, Sashi, Rahul, everybody, is it bulbil, runner, offsets, rhizomes on your screens, please. You will have the next NCERT class at 9 p.m. on Sunday, sexual reproduction in flowering plants, 9 p.m. on Monday, sorry, ginger, Zingiber officinale. Zingiber officinale, rhizomes, offsets, bulbil, runners. What is the answer to this particular question? On your screen, speed up. The answer to this question has to be rhizome, horizontal. Very well done. Bulbil, turions, diascoria. Wrong answer. Those of you who have given bulbil. Good. Next question. Question number 4. Let's finish this in 20 minutes. Plants which reproduce or which produce characteristic pneumatophores and vivipara, that means they give birth to live young ones. Let me add, they are also halophyte plants. So is it mesophyte, halophyte, zamophytes, hydrophytes? Avicennia, Sonneratia, Heritiera are the examples of such plants. Pneumatophores, they are positively phototropic, negatively geotropic. Chaliye. Positively phototropic, negatively geotropic. Meso, halo, samo, hydro. Hydro is water, halo is saline, meso is average condition. Chaliye. No negative marking, please. Only focusing on the class and making sure you're only doing positive marking. Well done. It has to be halophytes. Avicennia, Sonneratia, Heritiera, namkeen pani wale halophytes. Well done. Sundarbans ke ped, sundari, vern trees. Question number 5. No talking. No talking. Focus on the screen. Root hairs developed from the region of. Remember the diagram of the NCERT, jahan pe pura root diya hua hai. Root ka hair, jiska covering epiblema kehlata hai. Jiska surface area ज़्यादा होता है, absorption ज़्यादा होता है. Do they come from the region of maturation, elongation, root cap, peristaltic activity? Come on. Diagram याद कीजिए. Root hair tip से निकलता है कि ऊपर निकलता है? पहले ये imagine करने की कोशिश करो. अगर ऊपर निकलता है तो वो कौन सा region है? यहाँ पर absorption होगा. इसका surface area बहुत ज़्यादा होता है. इसकी covering को epiblema कहते हैं. Epiblema बहुत ज़्यादा absorptive capacity रखती है. This is the speed. इस speed से जो बच्चा exam में कर पाएगा वो 110% successful होगा. Well done. Root hair developed from the region of maturation. Tip is meristematic activity. वहाँ पर root hair नहीं होता है. It is coming from the region of maturation. Next question on the screen. Question number 6. No talking. Next question. Well done. In Bougainvillea, thorns are the modifications of leaves से निकलते हैं, stem से निकलते हैं, कहाँ निकलते हैं? Thorns, Bougainvillea. Stipules, adventitious root, stem or leaf. कहाँ से निकलेंगे thorn? Bougainvillea में climbing में help करते हैं. Anti-grazing इतना काम नहीं होगा, but climbing में help करते हैं. Is it the stipules? Is it the adventitious root? Is it the stem or the leaf? Bougainvillea. Come on. Yes, quick, 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 quick. The more the number of MCQs you have to solve, not 90 MCQs in this particular topic. Let's see how many you're doing. Excellent. That is the speed. Well done. Let us see your accuracy as well. Very well done. They are stem modifications. They come out from the stem. Very good. And they are meant for climbing. They are not meant for grazing. It is a wine. Question number 7. I think record speed pe aap logon ki class aaj chal rahi hai. Itni speed pe. Absolute. Coconut fruit is what? There are two types of primary endosperm nucleus. What is it? Is it a drupe where the hard material is outside? Is it a berry? Is it a nut or is it a capsule? Beautiful question from plant morphology. Coconut fruit is what? The best speed till now. This speed I have never witnessed on internet. Amazing speed. Super awesome class. Come on everybody. Coconut fruit is a what? Morphology, anatomy, structural organization. We have to finish everything in one shot. Make sure you're liking, sharing and subscribing the video. Come on guys. What is the answer to this particular question? Everybody make sure that you're liking, sharing, subscribing. Super amazing. Chaliye. It is excellent. Just like a mango, it is a drupe. Excellent. Well done. Good. Good, 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 good. Well done. Yes, I will give you time to write name first. This is sprint. This is Menti sprint. The term polyadelphus, adelphis, synadelphus, diadelphus, polyadelphus, तीनों के examples, adelphi is related to gynecium, andrecium, corolla, calyx. Come on, syngenesius, polyadelphus, all these words should be on the tip of your tongue. Is it related to gynecium, andrecium, corolla, calyx? Tell me. Poly means many, adelphi. Come on, everybody. Mushaira, Siajal, Mubashira, Bhavana, Khalpana, Farooqa, Ananya Rakwal. Very good speed, guys. Very good speed. Speed up. Some of you are getting slow this time. Well done. You got into thought. It is related to Andrecium. Andrecium epipetellus हो सकता है, polyadelphus हो सकता है. Question number 9. Speed up. Excellent speed of answering today. How many plants among Indigofera, Sesbania, Salvia, Alum, Aloe, Mustard, Brown, Radish, Ram, Turnip have stamens with different wavelengths in flower? Speed up. How many plants among Indigofera? Chaliye. This is a good one. Let me see how of you are answering. Indigofera, Sesbania, Salvia. There are two families which have different length. Nobody has answered. It is found in the family Brassicaceae and Laminaceae. Right? Family Brassicaceae and Laminaceae. So aloe ho gaya, mustard ho gaya, radish ho gaya, turnip ho gaya, didynamous hote hai, different lengths hoti hai. यस, मस्टर्ड और रेडिश टेट्राडाइनमस होती है, चार डिफरेंट लेंस होती है. एक्सलेंट, वेल डन. आई एम लाइक सो सुपर प्राउड ऑफ यू गाइस. देखा, पर आप लोगों ने कम आंसर किया, टाइम ले रहे थे आंसर करने में. दैट्स ओके. यू नो दैट दिस इज वेयर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर यूजुअली मेकिंग मिस्टेक्स. इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पसंद पर आते हैं एग्जाम में. यू शुड नो देम. रोहन शॉ, yes. Radial symmetry, come on, this is an easy question. And everybody, have you hit the like button? Have you hit the share and subscribe button right now? Brassica, try. This is a very easy question. Trifolium, Pisum, Cassia. इनमें से कुछ ऐसे हैं जो zygomotic है बहुत directly because they are belonging to leguminosae family. उनको पहले separate करो. चलो जल्दी करो, speed बढ़ाओ. Leguminosae family को separate करो. चलो chat section होता. Cassia, Fistula, Amaltas, Leguminosae family. पाइसम, लेग्युमिनेसी फैमिली. तो कौन होगा जिसके रेडियल सिमेट्री होगी? क्रूसीफरेसी टाइप का कुछ. अच्छा चलो, ओके, नो हिंट्स. कम ऑन, वेल डन गाइस. दिस इज द स्पीड. ब्रासिका फैमिली, सरसों में रेडियल सिमेट्री होती है, बाकी तीनों में जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होगी. एक्सीलेंट. क्वेश्चन नंबर 11. आई वांट टू डू दिस एंटायर थिंग इन नेक्स्ट 10 मिनट्स. फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, कल मैंने आपको मार्जिनल प्लेसेंटेशन करवाई थी. अभी फ्री सेंट्रल का एग्जांपल दो. डायंथस, आर्जुमन, ब्रासिका, सिट्रस. स्पीड अप. फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल दो. चलो चलो चलो. फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. डायंथस, आर्जुमन, ब्रासिका, सिट्रस. सिंगल चेंबर्ड ओवरी किसमें होती है? फूल है, बहुत सुंदर फूल है ये. कौन है ये? प्रिमरोज में होती है. प्रिमरोज तो यहां दिया ही नहीं हुआ है. और बताइए. Dianthus, it's a beautiful pink colored winter flower. Dianthus, well done. Dianthus, excellent. Next question, speed up. 12. Are you liking the speed, guys? Are you loving the speed of today's class? No talking. Tricarpellary, तीन कार्पल जुड़े हुए syncarpus. Gynecium is found in the flowers of Solanaceae, Fabiaceae, Poaceae, that means nothing but Graminae, or it is found in Liliaceae. बताइए. Tricarpellary, syncarpus, तीन कार्पल है. ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस, गाइनेशियम. बताइए. गाइनेशियम इन द फ्लावर्स ऑफ व्हाट? सोलानेसी, फेबिएसी, पोएसी, लीलिएसी. यस, गाइनेशियम. पोएसी मोनोकार्पलरी होता है. Is that clear? Lilium, lilies, lilies. Let me see your chat section. तो मुझे बार-बार नीचे झुक के chat section देखना पड़ रहा है. Excellent. I'm very proud of you. Liliaceae. चलिए, ये वाले क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं ना? Do you find these type of? तो लिखो, write them down now, so that you don't make these kind of mistakes, right? Alingon पूछा which of the following is not a stem modification, speed up, not a stem. इस टाइप के क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, लिखिए एरर कॉपी में. Not a modification of the stem. Thorns of citrus, tendrils of cucumber, cucurbitaceae, flattened structures of Opuntia flag, not thorns. Picture of Nepenthes, very easy question. Not a stem modification. One of them is a leaf modification. Big hint. One of them is a leaf modification. Speed up. 10 more seconds to go. One of them is a modification of the leaf. Which one is a modification of a leaf? Morpho, anatomy, and structural organization. We are doing the entire topics in this particular class. Let's make it in minimum time. It is the pitcher plant. Pitcher plant. Pitcher plant is modification of the leaf. Don't make this blunder ever again. Question number 14. Well done. Stamens modified into flat green organ performing the function of leaf. Stems को अगर मैंने मॉडिफाई कर दिया, लीव्स का फंक्शन कर रहे हैं, बताइए. चलो, फ्लैटेंड ग्रीन एस्पैरेगस, शतावरी जिसे कहा जाता है हिंदी में. एस्पैरेगस बहुत आयुर्वेदिक दवाइयां बनती है. क्या है? फाइलोड है, फाइलोक्लेड है, स्केल है कि क्लैडोड है. स्टेम को अगर आपने ग्रीन मॉडिफाई कर दिया है, बताइए, लीफ की तरह का काम करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, बताइए. खुशबू, राहुल, एक्सीलेंट, फाइलोक्लेड कहलाएगा. बट वेरी गुड, एक भी क्वेश्चन में हंग पार्लियामेंट नहीं आ रही है. फाइलोक्लेड कहलाएगा. बॉटनी के रट्टे मार लो, बॉटनी के रट्टे मार लो बच्चों, बॉटनी के रट्टे मार लो. चलो अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 15. स्टैंडर्ड पेटल, मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश कर दी और नीचे के दो जॉय. पैपिलियोनेसी, जाइगोमॉर्फिक, पाइसम सिटाइवम में होता है. इज इट कॉल्ड द पैपुस, बूढ़ी माई है. वेक्सिलम कोरोना करीना, कम ऑन, ब्यूटिफुल. लेट ओपी नालायक बच्चे कौन है मेरे, लेट ओपी. देखा, बॉटनी में स्लो जा रहे हैं बच्चे, तो पता चल रहा होगा कि यार मॉर्फो में तो हालत टाइट हो रही है, मेरे बच्चे स्लो हो रहे हैं मॉर्फो में. एंड गाइस, हैव यू ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक, हैव यू ऑल लाइक्ड, हैव यू ऑल शेयर्ड, हैव यू ऑल सब्सक्राइब्ड. वेक्सिलम, 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 वेल डन. क्वेश्चन नंबर 16. Have you all liked, shared, and subscribed? Every single one. Roots play insignificant role of absorption in what? Beauty question. Beauty. रूट्स का काम ही नहीं है, रूट्स होती ही नहीं है. सनफ्लावर, पिस्टिया, पी वीट, वेरी ब्यूटी क्वेश्चन. फ्लोटिंग है, सबमर्ज्ड नहीं है, रूटेड प्लांट नहीं है, फ्लोटिंग है. चलो बताओ यार, गाइस कम ऑन, स्पीड अप. सनफ्लावर, हिलियांथस एंडस, स्पाइसम सटाइवम, बताइए. ट्राइटिकम एस्टिवेल, पिस्टिया, जलकुंभी, पिस्टिया स्ट्राइटोड्स. What is the answer to this point? Pistia root. अरे sunflower मर जाएगा, root absorb तो करेंगी. Aquatic plants, hydrophytes. That's why they don't have well-developed root system. That is the reason hydrophytes do not have a well-developed root system. Question number 17 on your screens right now. Exile classification किसमें होगी? Thanks, Tiasha Chatterjee. I missed you in my regular classes. Dianthus, lemon pea, argimond. Exile classification. Exile, come on guys, no mistake. Exile placentation के एग्जाम्पल बता दो. Exile, Dianthus, lemon pea, argimon. कंपाउंड ओवरी के सेंटर में जब होंगे, विच फैमिली हैज एक्साइल प्लेसेंटेशन? यस, लेमन. कंपाउंड ओवरी के सेंटर के आसपास जब होंगे, नींबू के बीच 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 में. वेल डन. 18th. Among China rose mustard, brinjal, potato, guava, cucumber, onion, and tulip. How many plants have superior ovary? That means everything else is taking origin from below the ovary. Superior ovary के examples बताओ यार, guys. ये तो रट्टा मारना है. अगर रट्टा नहीं मारोगे, कोई और बाजी जीत लेगा. फ्लावर हाइपोगाइनस होगा. चलो कमेंट सेक्शन में तो आंसर दो इसका. चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, अनियन एंड ट्यूलिप. चाइना रोज, mustard, brinjal, potato, onion and tulip. So the answer will be 6. Oh, नालायकों को थप्पड़ मारो या मुक्का. चलो गुड स्पीड, बट आज की स्पीड तो माशाल्लाह. गाइस, हैव यू ऑल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब? हैव यू ऑल, आर यू ऑल एंजॉयिंग दिस स्पीड? इस स्पीड से कम नहीं जाएंगे अभी. यस गाइस, बट मेक श्योर यू आर ऑल लाइकिंग. यार रवि नालायक बच्चे बिल्कुल काले दिल वाले. 1 लाइक राइट नाउ. पेरिगाइनस, पेरिगाइनस. गुआवा, कुकुम्बर, चाइना रोज. रोज चलिए आंसर तो ना, मतलब चैट सेक्शन तो ऐसा है. 3 है, आपको रटवाए थे मैंने. 3 कौन थे? सुपीरियर होता है चाइना रोज. पीच प्रून फैमिली रोज. आरपी रोज पेरिगाइनस. कितने बच्चों को याद है? हमने 3 एग्जाम्पल रोज, प्लम किया था, पीचेस किया था. कितने बच्चों को याद है? चलो बताओ. बट गाइस बहुत गलत बात है. इतना मतलब इतना काला दिल है, ब्लैक हार्टेड बच्चे हैं. लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना अभी के अभी. मुझे एक लाइक चाहिए. चलो right now guys, you have to become a part of WeBiotonic. Yes, you have to love the channel back. I want one big pyar bhara like right now. Chalo na like ho. Leaves become modified into spines. In isse lallu sawal nahi aa sakta. Zuzu, चलो leaves become modified into spines. ना लाइको अपनशिया कैसे ढक दिया तो पढ़ना चाहिए. यस अपनशिया पी अनियन सिल्क कॉटन कौन है? leaves get modified into spines. 05 क्वेश्चन नंबर 21. सुपर नालायक पार्टी. तुम्हारा नाम ना नालायक पार्टी जिंदाबाद नहीं होना चाहिए, सुपर नालायक पार्टी होना चाहिए. एसएनपी स्नर्प वाली एंजाइम है ना, तुम्हारा नाम होना चाहिए. When are the margins of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is known as vexillary imbricate twisted valvulate. 1 करोड़ बार करवा चुके भी तो थप्पड़ खाओगे बस. इसका जवाब दो. चलो मॉर्फो रट्टे मारो. चलो 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 चलो. विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन. सही दे रहे हो, सही दे रहे हो, सही दे रहे हो. यूनिट टेस्ट करवा दूंगी बेटा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दूंगी मैं. हर तीसरे दिन यूनिट टेस्ट रख दूंगी. तुम पढ़ने वाले तो बनो नालायकों. Yes, perfect. Speed, 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 speed. Overlap पूरा without any particular direction. What is the answer to this particular question? Imbricate. यार क्वेश्चन तो आप लोग सही दे रहे हो, इसमें कोई जवाब नहीं. एक भी हंग पार्लियामेंट नहीं आया अभी तक. एक बार भी मतलब कोई सुपर मारियो तक नहीं हुआ. मुझे चाहिए यार, मुझे 40 मिनट्स में 45 क्वेश्चन, मतलब 90 क्वेश्चंस कराने. Which one of the following statements is correct? The seed is grasses is not endospermic. Mango is a parthenocarpic fruit. A proteinaceous alluron layer is present in maize grain. Sterile pistil is called staminode. Beauty, beauty question है. OP is correct पूछा है. Correct, correct. मॉर्फो नहीं हो रहा ना मिताली, इसीलिए तो मैंने ये सब डाला है भाई, इसीलिए तो ये सब डाला है. पार्थेनोकार्पी कहां से हो गया भाई? मैंगो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है. ग्रासेस आर एंडोस्पर्मिक. स्टेराइल पिस्टिल, पिस्टिल और स्टेराइल स्टेम, स्टेमिनोड. प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट आउटसाइड मेज. वेल डन, वेल डन, वेल डन. गुड. अगला सवाल. Yubu, my favorite mascot. Saswata Mana, very good. धर्मवीर, अक्षिता, अक्षी, धीमान, स्नेहिता, चंचल चौधरी. बहुत दिनों बाद देखा आपको, दिल खुश हो गया आपको. सारांश, 5 टी-शर्ट ले ले बेटा, जान ले लो. टी-शर्ट क्या चीज है? डॉक्टर आफी, खुशी शर्मा एंड अर्शद. परफेक्ट. तो जिलेटो विलेटो. कल कितने बच्चों के पेरेंट्स से मिलने वाली मैं? युविका, आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स यार. यस, सुपर अमेजिंग. 23rd क्वेश्चन. चलो स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ. फोकस, अटेंशन. मतलब सोचो एग्जाम है. एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, खाने वाली अंडरग्राउंड स्टेम. कैरेट, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो. अंडरग्राउंड स्टेम. रूट नहीं पूछा है, थप्पड़ खाओगे भी गलत जवाब दिया तो. रूट नहीं पूछा है, स्टेम पूछा है. यहीं से पढ़ेंगे, एक गलत जवाब दिया तो. अंडरग्राउंड स्टेम, रूट नहीं पूछा है. बताओ. कैरेट, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो. चलो. ओफो, इन्हें थप्पड़ मारू या मुक्का मारो। अंडरग्राउंड स्टेम पूछा है एडिबल। डाउकस कैरोटा क्या है? क्या है डाउकस कैरोटा? स्टेम है। हाँ, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन, ग्राउंड नट नहीं, रूट कैरेट रूट पोटैटो। अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर है, स्टेम ट्यूबर। इंटरनोड होते कल एक्सिलरी लीव्स, फोटोसेंस डिवाइस सब करवाया है, फिर भी नालायक कोई ना कोई मिस्टेक करके आएंगे। An aggregate fruit is one which develops from, aggregate fruit किससे develop होता है? इससे easy definition नहीं आ सकती, बता दो। aggregate fruit develops from single flower with multiple pistil क्या कहलाता है? सिनकार्पस है या एपोकार्पस है? मल्टीकार्पलरी तो है ही। सिनकार्पस है या एपोकार्पस है? Ovaries are merged but are separate. Ovaries merge हो रही है पर separate है। देखा, slow है answering. Ovaries merge है पर separate है। Multicarpellary, Apocarpus, Gynecium, sin नहीं है। Multicarpellary separate है, right? Multicarpellary, Apocarpus, Gynecium. लिखो, aggregate fruit यही question आएगा exam में, तो जो mock test दे रहा होगा उसको बहुत फायदा होगा। आया समझ में? साई, महकल, महाकाल समझ में आया? जो एग्जाम दे रहा होगा बहुत फायदा होगा। 25th क्वेश्चन पे चलो चलो। अमंग बिटरगॉर्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पंपकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन, कुकुम्बर, सनहैम, ग्राम, गोवा, बीन, चिली, प्लम, जूनियर टोमेटो, रोज, विथेनिया, पोटैटो, अनियन, एलो, ट्यूलिप। हाउ मेनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर? चलो चलो चलो। बिटरगॉर्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पंपकिन। 14 है, 15 है, 10 है, 13 से ज्यादा है। अब बताओ, पंपकिन, बिटरगॉर्ड, कुकुम्बर, गुआवा। पंपकिन, बिटरगॉर्ड, कुकुम्बर, गुआवा। पंपकिन, बिटरगॉर्ड, कुकुम्बर, गुआवा हैव एपिगाइनस। पंपकिन, बिटरगॉर्ड, कुकुम्बर, गुआवा हैव एपिगाइनस, बाकी सब में हाइपोगाइनस। तो आंसर हो गया आपका 15। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए, गुड, वेल डन। चाइना रोज के फूल कैसे होते? दो बार आज ये सवाल मैंने आपको आंसर करवा दिया, दो बार। चलो, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एपीगाइनस, वैल्वेट एस्टिवेशन। हाइपो एपी तो क्लियर कर लो पहले। चाइना रोज, हिबिस्कस, फेवरेट फ्लावर ऑफ लॉर्ड गणपति। एक्टिनो है कि जाइगो है? पहले तो दो हटा दो। पाइसम फैमिली नहीं है ये, दो हटा दो। जाइगोमॉर्फिक नहीं है, फिर बताओ। जाइगो है ही नहीं, स्लो आंसरिंग हो गई, फिर से स्लो आंसरिंग हो गई। दैट मींस इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो। एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक नहीं है, हाइपोगाइनस है और ट्विस्टेड एस्टिवेशन एम्ब्रिकेट नहीं है। हाइपोगाइनस है, एक्टिनोमॉर्फिक है और ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। चलो अगले सवाल पे। 27, क्लास 12 14 तारीख से शुरू हो रही है बेटा जी। सीड कोट इज नॉट थिन, मेम्ब्रेनस सीड कोट किसमें होता है? मेज, छिलका, कोकोनट, ग्राउंडनट, ग्राम। ब्यूटीफुल क्वेश्चन छोड़ के लाई हूँ आज तो मैं मॉर्फो एनाटॉमी के, अभी तक तो शुरू नहीं हुई एनाटॉमी, फिर वो कॉकरोच वाले क्वेश्चन भी करने हैं। चलो, क्लास 12 का बैच शुरू हो रहा है 14 से। बट गाइस, हैव यू ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ वी बायोथॉनिक? हैव यू ऑल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब? बताओ। और फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नालायकों, मतलब लिटरली नालायक जनता पार्टी है यार। और ये एड से पहले आलिया भट्ट के पास कपड़े नहीं थे, ये क्या सेफ्टी पिन जैसे कपड़े पहने हुए हैं, बताओ जरा। यस, देखा आपने एड से पहले? अगर आपका रिफ्रेश करने के लिए चैट में उसको देख रही हो तो वो क्या है ये सेफ्टी पिन? सेफ्टी पिन, ओहो शहनाज, कोकोनट, छिलका नुमा, कोकोनट, कोकोनट, कोकोनट। यस, परफेक्ट। चलो, लेट्स मूव अहेड। कोकोस न्यूज़ीफेरा। Very soon I'm starting NEET 2023 batch also. Placentation in tomato and lemon is tomato, lemon का तो अब भी किया है, अब भी किया है यार। Exile, marginal, free, central, parietal. No mistakes guys, that means error copy। खोलो यार, एक पन्ना भी नहीं पलटना error copy का। गाइस फिजिक्स केमिस्ट्री रट लो, पढ़ लो, समझ लो, क्रैश कोर्स, लॉन्ग टर्म क्लासेस ज्वाइन कर लो। 12th में बहुत अच्छी बैचेस है यार, बहुत अमेजिंग टीचर्स हैं, सुपर अमेजिंग बैचेस है। आप लोग मतलब ऐसे नेक्स्ट लेवल तक पढ़ाई पहुंच जाएगी। एक्साइल प्लेसेंटेशन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा 29। व्हाट गजब स्पीड ऑफ आंसरिंग टुडे गाइस, व्हाट गजब स्पीड। मेरे को 15 तक क्लास ही खत्म कर देनी है। चलो, हार्टवुड, रॉन्ग स्टेटमेंट। Organic compounds are deposited. It is highly durable. It conducts water and minerals efficiently. Dead elements with highly lignified walls. Wrong statement. Heartwood, sapwood, duramen वाली। चलो। Speed up. Excellent. All of you answered well. All of you. बेटा, it is dead wood. D correct है, incorrect पूछा है, wrong statement पूछा है ना। को wrong statement पूछा, तुम्हारी आंखें की बटन है, बताओ पहले। Wrong statement पूछा है। 62. It is yes wrong. It is durable because वो lignified. It is durable. Compounds lignin suberin is deposited in it. Does not have any conducting vessels. Right, it is all dead wood. It does not have any conducting vessel. MashaAllah, speed today. Next question on your screens, please. नालायकों की आंखें के बटन लगे हैं दो बड़े-बड़े. Which of the following facilities opens tomatal aperture? चलो. And guys, make sure that you're liking, make sure that you're sharing, make sure that you're subscribing. Like किया है? चलो एवरीबडी, मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो राइट नाउ। आज तो हो जाए 1K लाइक्स जल्दी। Which of the following facilities opening of facilitates होना चाहिए, facilities नहीं facilitate। धन्य भाग मेरे, ये क्वेश्चन मैं 4 करोड़ बार करवा चुकी हूं। राइट, रेडियल ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते, ऐसे। सो ये ऐसे ओपन होते हैं, ऐसे ऐसे लगे होते हैं सेरोटोस फाइबर्स। वाटर हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से दे ओपन लाइक दिस। इज दैट क्लियर? एंड गाइस, मेक श्योर एवरीवन इज लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, मेक श्योर एवरीवन इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर विंडो स्क्रीन्स राइट नाउ। इससे भी स्पीड बढ़ाओ गाइस, 45 तक ये वाले क्वेश्चंस खत्म कर दो। चलो, डेड सेल्स, आज तो गजब रिकॉर्ड हो जाएगा। 45 मिनट्स, 45 क्वेश्चंस। Which of the following is made up of dead cells? Dead, xylem, parenchyma, collenchyma, phellum, phloem, sclerenchyma नहीं है ऑप्शन में। जतिन, मिहिर, प्रतिभा, मंजी, देवशी, शिफा, गुरु स्टोर, सीएजल, अंजलि, खुशी, नवी, क्रेजी गर्ल, खुनूत, अनुपम, फलक, खुशी सैनी, गुरु स्टोर। स्पीड अप। Yes, phellum, the outer one, phellum. Is that clear? Perfecto. चलो अगले सवाल पे। The vascular cambium normally gives rise to pheloderm, primary phloem, secondary xylem, periderm. यार ये तो मतलब सेकेंडरी जाइलम, वैस्कुलर केमियम से कौन निकल कर आता है? सेकेंडरी जाइलम। इज दैट क्लियर एवरीबडी? वाओ। चलो यार, एक तो मैं आप लोगों को मैसेज करना चाह रही हूँ, वहां कुछ इतना छोटा मेरा फोन है, कुछ मतलब मुझसे मैसेज ही नहीं हो रहा है। थर्ड। चलो कॉर्टेक्स एनाटॉमी शुरू हो चुका है गाइस, एनाटॉमी शुरू हो चुका है, ध्यान दे दो, अभी ध्यान दे दो। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स यार कितनी बार डायग्राम बना बना के किए, कितनी बार, एपिडर्मिस एंड स्टील, पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड पिथ, एंडोडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। एंड गाइस मेक श्योर कि आप पढ़ रहे हो यार गाइस फिजिक्स केमिस्ट्री। क्रैश कोर्स वाले बच्चों एक बार क्रैश कोर्स ले लो ताकि इस साल आपकी सीट कंफर्म्ड हो जाए। यू नीड अ कंफर्म सीट, यू नीड अ सीट दिस ईयर, राइट। और गाइस 12th वालों 11th वाली मिस्टेक नहीं करनी है इस साल, 11th वाली मिस्टेक करनी नहीं है यार। 12th में आपको किसी अच्छे टीचर से पढ़ना है। बाहर वाली एपिडर्मिस और बीच का स्टील, उसके बीच का रीजन कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पिथ के बीच में कहां तुमने कॉर्टेक्स घुसा दिया। ये एपिडर्मिस और ये स्टील है, ये पूरा रीजन कॉर्टेक्स है, ये एपिडर्मिस और ये स्टील है, बीच में पूरा रीजन कॉर्टेक्स है। इज दैट क्लियर? 34th, चलो। The balloon-shaped structure, टाइलोस, टाइलोसिस plugs, सर्दियों में ब्लॉक करते हैं, किसको ब्लॉक करते हैं, चलो बताओ 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 बताओ। यार टारगेट है मेरा तो, मेरे बच्चों को 650 से ऊपर स्कोर लाना है। येस और नो? रेडी? टारगेट 650 प्लस 670, 680 स्कोर। क्या कहते हो नालायकों? गाइज यार प्लीज मेक श्योर कि आप भी बायोटॉनिक के स्टॉन्ट सपोर्टर बन जाओ। डीपी बदल दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत है यार गाइज। हम भी फील करते हैं ना यार कि बच्चे मतलब सपोर्ट करें यार, एकदम ऐसे मतलब एक ग्रुप बने। यस, जाइलम पैरेन्काइमा जब वेसल्स के अंदर आ जाते हैं तो उसको टाइलोसिस कहा जाता है। जाइलम पैरेन्काइमा जब वेसल्स के अंदर आ जाते हैं तो उसको टाइलोसिस कहा जाता है। ये वाटर के कंडक्शन को रोक देते हैं, विच हैपन्स इन विंटर्स, और गर्मियों में इसको या स्प्रिंग सीजन में इसको रिमूव कर दिया जाता है। यस, चलो कल पीटीएम पे मचाना है यार, कल टोटल पीटीएम पे मचाना है, पता है ना, सॉलिड मचाना है कल मिलकर पीटीएम पे। मतलब पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए यार ये क्या क्या अच्छा टीचर और स्टूडेंट्स का बॉन्डिंग है। स्पेशलाइज्ड स्पाइडरमैन सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड एज। 700 प्लस लेकर आएंगे स्पाइडरमैन सेल्स है, ये सपोर्टिंग सेल्स है। स्पाइडरमैन सेल्स हैं कि सपोर्टिंग सेल्स हैं? स्पाइडर की तरह वेब मचाकर उनको फंसाया हुआ है। आई विल डू दैट, आई विल शेयर द लोगो विद यू गाइस, आई विल शेयर द लोगो विद यू। बताओ बताओ बताओ। यस, सपोर्टिंग सेल्स आर रेफर्ड टू सब्सिडियरी सेल। यार बुली फॉर्म सेल नहीं होते यार, बुली फॉर्म सेल नहीं होते। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्रांस एनाटॉमी की बात नहीं कर रहे हैं हम, गार्ड सेल्स के साथ वाले सपोर्टिंग सेल्स की बात कर रहे हैं। दे आर रेफर्ड टू एज द बुली फॉर्म सेल्स, नहीं, दे आर रेफर्ड टू एज द सब्सिडियरी सेल्स। ऑसम। 36, जल्दी। वैस्कुलर बंडल्स एंड मोनोकॉट्स आर कंसीडर्ड क्लोज्ड बिकॉज। लल्लू सवाल, लल्लू सवाल ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू, लल्लू सवाल ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू, यस, क्लोज है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ? यस, वन। केमियम इज एब्सेंट, केमियम इज प्रेजेंट ओनली इन डाइकॉट। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, मोटे नहीं होंगे, गर्थ नहीं बढ़ेगी। चलिए 37 क्वेश्चन। ये हुई ना बात, फील आ गई आज तो मुझे क्लास में। एनाटॉमी इज वीक का पता चल रहा है, जिसका जो टॉपिक वीक है वही पड़ेगा। मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ ओपन वैस्कुलर बंडल, है ना। रूट में तो जाइलम होगा, मोनोकॉट है, क्या फर्क पड़ता है? केमियम होगा, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलेचर विदाउट केमियम, और केमियम सैंडविच्ड बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस। अब ये बताओ स्कैटर्ड स्टेम में होता है कि रूट में होता है, बताओ। स्कैटर्ड स्टेम में होता है कि रूट में होता है? सीएजल, भावना, रवि, वैष्णवी, शिफाना, साक्षी, ट्रिगडानी, पूजिता, वियोला, क्रेजी गर्ल, तबस्सुम, हर्षिता, शिफा। कम ऑन, आई वांट द राइट आंसर ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल स्टेम में होता है, ओपन वैस्कुलर बंडल नहीं होगा, डाइकॉट्स में होता है, स्कैटर्ड केमियम नहीं होगा। भैया जी, बेटा जी, मोनोकॉट के पास केमियम नहीं होगा, मोनोकॉट के पास केमियम नहीं होगा। राइट 38 क्वेश्चन पे हम आने वाले हैं। एक सेकंड ये देखो, अब कल का जरा टाइम टेबल देख लो मेरे सुपर डुपर नालायकों। यस, एनसीईआरटी फुल रिविजन मैं करवा रही हूँ, जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। मंडे को क्या बोर्ड क्या नीट, फुल एनसीईआरटी हम अगले 16 दिनों में रिवाइज कर देंगे। डेली का एक चैप्टर एनसीईआरटी फुल रिविजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लान। शाम को मैं आपको सारे कॉलेजेस का टूर करवा रही हूँ। एंड गाइस, इग्नाइट बैच आने वाला है, द वी इग्नाइट बैच आने वाला है। वी इग्नाइट इज नथिंग बट बायोटॉनिक का ब्रांड न्यू बैच फॉर क्लास 12। और कल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट बनाने वाली, जितने बच्चों के नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं वो एक गलती की वजह से हो रहे हैं। आप सिर्फ एक चीज कर लो, आपके नेगेटिव मार्क्स छूमंतर हो जाएंगे, मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप एक चीज करके तो देखो, नेगेटिव मार्क्स ऐसे छूमंतर हो जाएंगे। और कल शाम को 5 बजे बायोटॉनिक आर्मी मिल रही है पीटीएम के लिए। यस गाइस, इसी बात पे एक प्यारा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार चैनल पे आ जाओ। तो ये रहा हमारा होम, यहाँ पर चैनल चल रहा है, लाइव ये चल रहा है। गाइस, इसके नीचे 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। मेरी बात सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई मेंटर मिले, टीचर मिले। बेटा आप ना एक बार कॉस्ट इफेक्टिव निकाल के देखना, आप निकाल के देखना आपको कितना सामान मिल रहा है और आपसे कितना पैसा लिया जा रहा है। आपको लगेगा टुच्चू भर में मतलब आपको पढ़ाया जा रहा है। फुल आपको 11th और 12th करवाई जाएगी। इवन आपको 12th का जो आप लॉन्ग टर्म कोर्स ले रहे हो ना, जो 12th का प्रो मेंबरशिप ले रहे हो, उसमें 11th रिवाइज करवाई जाएगी। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। फुल क्रैश कोर्स दिया जाएगा, केवीपी वाई दिया जाएगा, तीनों सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे। 20-20 टेस्ट लिए जाएंगे, एक एक सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे, 13 किताबें आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। उसके बाद भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो बोलेंगे यार तुम पैसा वापस ले। सच में ये सारी चीजें मुमकिन है। सो वीडी प्रो हमारा कोड है, वीडी प्रो, राइट। आप कहिए कि मैं 12th में हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म मेंबरशिप लेना है, मुझे लास्ट ईयर जैसा अपना बैंड नहीं बनवाना है, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। और आप यहाँ पे कोड डाल दीजिए वीडी प्रो, अप्लाई कर दीजिए, इट बिकम्स ऑफ एंड यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस। और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है, इस साल एग्जाम दे रहे हो, ये तो बिल्कुल मत छोड़ो। 12th का बैच भर चुका है, सिर्फ 8 या 9 सीटें बची हैं। डोंट मिस इट। मंडे को मेरे कोड से जिनको मेरी क्लासेस मिलेंगी उनके पास सिर्फ 8 या 9 सीट्स बची हैं। डोंट मिस दिस, डोंट मिस दिस। पूरा सिलेबस एंड तक, जुलाई 4 महीने पीसीबी 11th एंड 12th कोई नहीं कराएगा इतने डिटेल में। यहाँ कोड भरिए वीडी नीट, कर दीजिए अप्लाई एंड कम ऑन टू द रेगुलर क्लासेस। डोंट मिस दिस। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। चलिए, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, लीजिए 39 क्वेश्चन। यस अफशान, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ फैसिकल्स के बीच में। कोड है बेटा 20629492, 20629492 आपका कोड है। Medullary rays, xylem, endoderm is pericycle. Medullary rays जो बीच में से निकल के आती है, उनमें से इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनता है। Excellent, yeah, this is wow, this is good, excellent, I'm so proud of you. Question number 40th. Yes, चलिए lenticells. Sadar Ansari, wish you a very happy birthday. Transpiration, gaseous exchange, food transport, photosynthesis. Lenticells. Transpiration करते हैं स्टोमेटा, इनके पास लेंटिसेल्स आती है ओपनिंग ऑफ द स्टेम। गाइस, transpiration, gaseous exchange, food transport, photosynthesis. Gaseous exchange for the stem, root hair does it for the root, stomata does it for the leaf. Guys, how many of you are ready for 45 more questions right now? Same speed, 45 more questions right now. बिल्कुल same speed पे 45 more questions करने। चलो, age of tree, dendrochronology क्या करती है? Rings को count करती है। जल्दी बताओ क्या कहते हैं उसको? Biomass, number of annual rings, diameter of hardwood, height and girth. Ready? Biotonic army. Come on, वानी मैम आर्मी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए अरे एन्यूल रिंग्स मचा दिए हैं मेरे बच्चे, ऑसम। ऐसे बच्चे भगवान सबको दे। यस क्या बच्चे यार। क्वेश्चन नंबर 42, चलो 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 चलो। हाय राम जी। कॉमन बॉटल कॉर्क, कॉर्क कॉर्क कॉर्क। बताइए फेलोजन है, डर्मेटोजन है, जाइलम है, क्या है? जल्दी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरा चैट क्यों अटक जाता है? फेलोजन, जाइलम, वैस्कुलर, केबीएम बताइए। बहुत इजी आंसर कर दिया आप सबने। अच्छा बाय द वे 45 मोर क्वेश्चंस करने के लिए रेडी है आप लोग? रेडी स्टडी पू? फिरदोस, मनदीप नायक, स्पीड अप यार। फेलोजन, बॉटल कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ फेलोजन। और बच्चों ये बता दूं, देखो यार गिव अप नहीं करना, टिल द एंड गिव अप नहीं करना। यू नेवर नो उस दिन कैसा पेपर आता है और आपके कितने क्वेश्चन सही हो जाते हैं। सो यू जस्ट डोंट हैव टू गिव। कंपेनियन सेल्स किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं। दे हेल्प इन बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट? कम ऑन अमर, ज्योति पनवर। अरे अमर तुम्हारी डीपी तो बड़ी सुंदर है, ये किसने बनाई? मुझे फॉरवर्ड करो ना ये प्लीज। मान गए अमर, मैं कहता हूं लड्डू पेड़े भेजने पड़ेंगे। कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव एलिमेंट्स, वेसल एलिमेंट्स, ट्राइकोम्स, गार्ड सेल्स। वेरी नाइस सदन एंड गॉड ब्लेस यू। अल्लाह करे इस साल आपको जरूर सीट मिले। रेडी? वेसल्स के साथ होते हैं, सीव एलिमेंट्स वेसल के साथ कैसे हो सकते हैं? जाइलम वेसल्स के साथ नहीं होते, फ्लोएम के साथ होते हैं, ट्राइकोम तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते उनके साथ। चलो अगला सवाल 44वां क्वेश्चन। स्पीड अप, लीडर बोर्ड आने वाला है। मान गए गाइस। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स लैक व्हाट? क्लोज वैस्कुलर बंडल्स के पास क्या नहीं होता? डू दे लाइक ग्राउंड टिश्यू, कंजंक्टिव टिश्यू, खेमियम और पित्त? क्लोज्ड, दे कैन नॉट इंक्रीज इन डायमीटर। खेमियम। चलिए वाटर कंटेनिंग एक्टिविटीज इन वैस्कुलर बंडल्स। यार ये कितना इजी है। लाइसेंजियस कैविटीज, वाटर वाली हमने 3 या 4 बार किया है। मेजी 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 मेज। चलो चले, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कैसे जैसे पेड़ खजूर, पंथिक को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। युवो, मेघा, पलक, खुशी, सारांश, चंचल, स्नेहिता, आक्षी, धर्मवीर, शाश्वता एंड युवो। गाइस मुझे 15-20 दिन दे दो, बिकॉज ऑफ कोविड मैंने टी शर्ट प्रिंट करने के लिए दी हुई है पर वो आ ही नहीं रही है। Yes, उसके बाद सारे बच्चों की टी शर्ट भिजवा दूंगी विद अ लवली नोट। चले नेक्स्ट menti.com पे चलो, फिर अगला menti.com ओपन करो, फटाफट पहुंच जाओ इधर menti.com 75562181। चलो स्पीड बढ़ा लो। चलो 75562181 सारे मेरे पुराने बच्चे एक बार लिख दो। चलो जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। 45 क्वेश्चन तो 30 मिनट में करवाने वाली हूँ यार मैं। 30 मिनट में जितने हो गए क्योंकि मैंने स्पीड उतनी रखनी है। 30 मैं फिर वरना एंड कर दूंगी। जितने हो गए 30 मिनट्स में। स्पीड 30 मिनट्स में जितने क्वेश्चन हो गए। मैंने उसके बाद क्लास खत्म कर देनी क्योंकि उसमें मैंने लेनी नहीं है यार, बिकॉज यू हैव टू लर्न हाउ टू डू इन स्पीड। डन? ठीक है, क्या कहते हो? You agree with me? You agree with me? What say? चले ठीक है। हाँ जी मैम, डन, एवरीबडी इज ज्वाइंड। कोड है बेटा 75562181 75562181। क्विक 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 क्विक। चलो क्वेश्चन नंबर 1 मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ। चलो इतना टाइम नहीं लगता मेंटी ज्वाइन करने में। 75562181 75562181। हाँ जी, वाटर हाइसेंथ एंड वाटर कैबेज और डिफरेंट हरी सब्जी। ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या होता है? चलो 35 मिनट्स के बाद मैंने ये क्लोज कर देना। 35 मिनट्स में आपने 45 क्वेश्चंस करके दिखाने हैं। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल, एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। ऑल टिश्यूज इंटरनल टू एंडोडर्मिस, ऑल टिश्यूज एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। क्या सवाल है यार, फील वाला सवाल है। फील, टोटल फील। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड फील। एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल सारे टिश्यूज कहलाते हैं आपका ग्राउंड टिश्यू। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस आज जिस स्पीड से आप लोग आंसर कर रहे हो और जिस एक्यूरेसी से आप लोग आंसर कर रहे हो, हैट्स ऑफ, लिटरली हैट्स ऑफ। इतनी अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी शायद इंटरनेट में किसी और क्लास की नहीं होती जितनी आप लोगों की है। सुपर अमेजिंग। चलो in land plants guard cells differ from other epidermal cells in having guard cells के पास क्या होता है जो बाकी नहीं होता? बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। बहुत सिंपल सवाल है। चलो चलो चलो। Excellent Rahul, Janvi, everybody's done well. Chloroplast, chloroplast. Next question. Speed up. Good, chloroplast. चलो. Question number 3. Speed. Answer ठीक है. The corcamium, cork and secondary cortex तीनों को क्या कहते हैं? Corcamium, cork and secondary cortex. Periderm, phallogen, phallum, phalloderm. कॉकेमियम कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं? फेलोजन, पेरिडम, फेलम, फेलोडम। कॉकेमियम कॉर्क सेकेंडरी कॉर्टेक्स, पेरिडम। It is called the periderm. Lovely. Question number 4. 35 minutes. 6:35. I am going to end the class. Chief water conducting elements of xylem and gymnosperms are gymnosperms. Vessel, fiber, transfusion tissue, tracheids. Gymnosperms. They are not asking you general question. They asked you gymnosperms. क्या नहीं होता और क्या होता है बताओ। चलिए, सारे बच्चों ने अच्छा आंसर किया, सारे बच्चों ने अच्छा आंसर किया। गुड। ट्रेकेड्स, जाइलम वेसल्स कैसे होंगे? चलिए, which one of the following is not a lateral meristem? I'm so proud of you today. I'm just looking at your comments, the way you are answering, guys, in such short time, answering so well. देखा मैं वही कमेंट्स में पढ़ रही थी, guys. This is super amazing. No, intercalary meristem is not a lateral meristem. Yes, wow. I think it's a hats off, yaar. You guys deserve like super amazing. Sixth question. Okay, I'll give you time to write name. हम थोड़ी स्पीड से हार्टवुड सैपवुड अभी किया है हमने, अभी थोड़ी देर पहले हार्टवुड वाला क्वेश्चन किया है, ड्यूरामेन वाला क्वेश्चन किया है. चलो 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 चलो. And guys, have you all become a part of We Biotonic? Have you all liked? Have you all shared? Have you all subscribed? Yes, सभी के सभी बच्चे right now you need to like, share and subscribe the channel. चलिए, Heartwood differs from sapwood in. Having heartwood में dead and non-conducting elements होते हैं because it is lignified, it is in the center, it is dead wood. Sapwood conducts, heartwood does not conduct. Question number 7. The annular and spirally thickened conducting elements generally develop in the protoxylem when the root or stem is annular. Spirally thickened कब produce होते हैं? Mature कर रहा है, elongate कर रहा है, widen कर रहा है या differentiate कर रहा है? Thanks Janvi. How many of you are able to answer these questions in seconds? Tell me. कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है बिकॉज यू ट्रूली एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस इन सेकंड्स. गाइस हो रहा है आंसर सेकंड्स में. व्हेन द रूट और स्टेम वाइडन होता है तभी तो बढ़ेंगे जाइलम वेसल्स वगैरह, वैस्कुलर कैम्बियम से नए जाइलम वेसल्स बनेंगे. व्हेन इट इज वाइडनिंग, व्हेन इट इज अंडरगोइंग लैटरल ग्रोथ. ओके, हाय आतिफ असलम. In barley stem, vascular bundles are barley. Monocot है कि dicot है? चलिए, barley. Closed and scattered. In barley stem, vascular bundle open कैसे होगा? Open कैसे हो जाएगा monocot में? बता दो. Yes, चलो. Guard cells. Guard cells help in speed up. ऐसे नहीं होगा, स्पीड बढ़ाओ. आज मुझे पिज्जा खाना चाहिए, रात को छोले भटूरे खाने चाहिए, क्या खाना चाहिए बताइए? Transpiration. Guard cells guarding this stomata. Transpiration. इससे लल्लू सवाल कहां से ढूंढ के लाऊं मैं? चलो, Palisade parenchyma is absent in leaves of Palisade parenchyma. सॉर्गम, मोनोकॉट, आइसोबाइलैटरल कहाँ जाएगा? यस सोचोगे आइसोबाइलैटरल, आइसोबाइलैटरल लीफ, आइसोबाइलैटरल कितनी बार बोलूंगी? पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी मेसेन्काइमा, डॉर्सीवेंट्रल लीफ। डॉर्सीवेंट्रल लीफ किसमें होता है? डाइकॉट्स में होता है। आइसोबाइलैटरल किसमें होता है? मोनोकॉट में होता है। यस ये तो रटवाया है ना, बस यही बात है कि यार आप लोगों ने अप्लाई करना सीखना है अभी जल्दी, वो भी स्पीड में। चलो मैम यू जस्ट लुक लाइक ऐश्वर्या सखुजा ऑफ त्रात्री देवियां। ऐश्वर्या सखुजा कौन है बेटा? गूगल मारती हूँ मैं, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करो। रिडक्शन एंड वास्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल। ऐश्वर्या सखुजा, जब मैं छोटी थी तो मुझे लोग प्रीटी जिंटा जैसे कहते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बड़ी फील आती थी मुझे। ओह अच्छी बंदी है यार ये तो। इज इट? ऐसी शक्ल है मेरी? हाँ वैसे थोड़ी थोड़ी मिलती है। आई लाइक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Reduction in vascular tissue, mechanical tissue and cuticle is characteristic of vascular tissue नहीं है, mechanical tissue नहीं है, cuticle नहीं है, water loss से transpiration नहीं बचाना है। Zero height में तो thick cuticle होगा, पर मेरे नालायक बच्चे अपना दिमाग कहाँ चलाएंगे? Yes, thick cuticle होगा zero height में। Is that clear? Hydrophytes, hydrophytes, hydrophytes। चलो 12th जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं 35 को सेशन क्लोज कर दूंगी, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। वैस्कुलर टिश्यू एंड फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप फ्रॉम जनवी। स्टॉप पुलिंग माय लेग। कुछ भी। वैस्कुलर टिश्यू एंड फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप फ्रॉम फेलोजन, प्लेरोम, पेरिब्लम, डर्मेटोजन। चलो वैस्कुलर टिश्यूज एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। Ma'am is looking like ma'am. Ma'am is not looking like Yami Gautam or anybody. Ma'am looks like ma'am. है ना? Best no? We should be proud of how we look of our own selves. दोस्त दोस्त ना रहा, बच्चे बच्चे ना रहे, बच्चे बन गए नालायक बच्चे। Vascular tissues in flowering plants develop from plerome. Yes. Aquatic organisms have no benefit with water cabbage. उसके अंदर मच्छर ब्रीड करता है और कुछ नहीं होता। Plerome, 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 plerome. बट इससे पहले कि हम आगे जाएं guys, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपको कोई कुछ भी कहे, स्पेशली 12th में जो बच्चे एंटर कर रहे हैं और जो अभी 13th में एलिंगॉन वाला पूरा बैच, जनवी वाला पूरा बैच, मेरे बच्चे अपने में बिलीव रखो यार, अपने एम्बिशन को देखते रहो कि यार इस साल मैंने डॉक्टर बनना है। आपने एक साल लगाया है, भले ही आपने कोई कॉलेज ज्वाइन किया था या आपने कॉलेज नहीं ज्वाइन किया था, बट यू इन्वेस्टेड वन इंटायर ईयर। सो अपने विल पावर को कम मत करने दो एंड थिंक दैट द नेक्स्ट 4 months और द नेक्स्ट 1 year इज ऑफ सैक्रिफाइस, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। यस, अगले एक साल या अगले 4 महीने आप या तो 12th में होंगे या 13th में होंगे। सैक्रिफाइस का टाइम है यार। सारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टाइम पास, व्हाट्सएप, हैंगआउट, शैंगआउट, ये सारी चीजें छोड़ दो। सिर्फ हार्डवर्क करो, कंसिस्टेंटली करो, डेडिकेशन के साथ करो, पेशेंस के साथ करो एंड सक्सेस विल बी योर्स। इज दैट क्लियर? सक्सेस आपका होकर रहेगा यार, झक मार के पीछे आएगा सक्सेस। डन? यस एवरीबडी। आतिफ असलम, कितने शाउट आउट चाहिए बेटा आपको? यस आप कनाडा से हैं, दे दिया आपको शाउट आउट। ये रहा आपके लिए स्पेशली एंड स्पेशली फॉर ऑल माय किड्स। गाइस कीप डूइंग द राइट थिंग, पढ़ते रहो, चलते रहो आगे। वी आर देयर विद यू, राइट? खूब 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 मेहनत करो, मतलब खूब मेहनत करो। एंड ये बात हमेशा याद रखना गाइस कि जब भी डगमगाहट फील होती है ना, जब भी लगता है यार मेरे से तो शायद ना हो, वो इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज आपने टेस्ट नहीं दिए हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप टेस्ट दे रहे हो। मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला भी है यहाँ पर कुछ, जैसे इसमें तो टेस्ट है, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला भी ओपन किया हुआ है गाइस। सो गाइस अगर मतलब अगर आप खुद पढ़ रहे हो ना तो कई बार गिव अप करने का मन करता है, खुद पढ़ रहे हो तो कई बार स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी होता है, खुद पढ़ रहे हो तो पता नहीं चलता कि हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। तो गाइस अगर आप अपना लॉन्ग टर्म गोल देखते हो, आपको एक फ्री एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। दैट इज ह्यूज। आप सोचो आप कितने ज्यादा प्रोग्रेस करोगे यार। यू आर गोइंग टू बी डूइंग सो वेल। फ्री एमबीबीएस सीट, सो 7,000, 8,000, 9,000 तो कुछ भी नहीं है उसके सामने यार। गाइस मंडे का बैच यू मस्ट ज्वाइन। आप पूरा सिलेबस रिवाइज कीजिए, डाउट्स मैनेज कीजिए अपने सारे के सारे। पीसीबी ऑफ 11th एंड 12th पढ़िए, एक एक लेक्चर की आपको लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, आपको सपोर्ट ऑफ क्लास टीचर्स मिलेगा, आपको डाउनलोडेबल नोट्स मिलेंगे, आपको क्लास के बाद असाइनमेंट्स मिलेंगे। डोंट मिस दिस। यस, द कोड इज VD, नीट कर दीजिएगा अप्लाई। चलिए अब फटाफट आगे चलते हैं और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं। प्लेरोम था इसका आंसर, इसको हम यहाँ से जाके फुल स्क्रीन करते हैं और अगली क्लास पे चलते हैं, ठीक है। 13th पैसेज सेल्स जिनके थ्रू वाटर एंटर करता है, ये हमने सुबह भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पैसेज सेल्स। चलिए निकेत, वी विल गिव यू 10 मोर टेस्ट बेटा। पैसेज सेल्स, ओके अदिति, मम्मी पापा के सामने तारीफ कर देना, मैं तो सब सच बताऊंगी कल। पैसेज सेल्स जिनके थ्रू वाटर, एंडोडर्मिस फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, दीज आर नॉन लिग्निफाइड सेल्स, दे अलाउ द वाटर टू गो। अगला सवाल 14th, 30 questions, 15 minutes. Body cells in cockroach discharge their nitrogenous waste in the hemolymph, mainly in the form of, किस फॉर्म में secrete करते हैं? अमोनिया, पोटेशियम यूरिएट, यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, यूरिया, पोटेशियम यूरिएट, अमोनिया। वेरी इजी क्वेश्चन। सिद्धार्थ कौर, हांजी, इन क्रैश कोर्स में +1, +2 कंप्लीट लाइव, PCB ऑफ 11th एंड 12th कंप्लीट लाइव, डेली 4 घंटे की क्लासेस होंगी, 4 आवर्स एवरी डे, PCB 11th 12th कंप्लीट लाइव, एंड आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग्स विल बी गिवन, इवन माय क्लासेस विल बी अवेलेबल। पोटेशियम यूरेट पता होना चाहिए, पोटेशियम यूरेट। 15th, in male cockroaches sperms are stored in which part of the reproductive system? Seminal vesicles, mushroom glands, testes, vasa deferens. ओके सर्वज्ञ, चलिए चलिए very good, seminal vesicles. This is a good question, you've done it well. This is a very good question, you've done it well, you've done it well, well done. Question number 16, let me see all your comments. Smooth muscles are involuntary, fusiform, non-striated, voluntary, multinucleate, cylindrical, involuntary cylindrical, voluntary spindle shaped, uninucleate. Beautiful question, आंसर दे दिया आप लोगों ने। Smooth muscles, you given the answer, voluntary spindle shaped, uninucleate, involuntary fusiform, non-striated, spindle shape like this, which is also referred to as the fusiform shape, सामने और इससे right, but spindle shape के आगे voluntary लिख दिया इसलिए गलत है, involuntary होते हैं। 15 को बच्चों ने गलत कर दिया। Yes, is that clear? चलिए अगले सवाल पे। 17th, Revati, board is coming back from Monday. Which of the following feature is not present in Periplaneta Americana? Not present है ही नहीं। चलो which of the following features is not present? Not present बोला है ना। इंटरमीडिएट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में। देख रहे हो एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंट, सीजोसीलोमस, बॉडी कैविटी। यार indeterminate and radial cleavage not present during embryonic development, right? Determinate. Very good. Question number 18. Which type of tissue correctly matches with its location? एरियोलर टिश्यू टेंडन में होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम नोज में होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मूथ मसल, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. चलो जिंदाबाद. यस बायोटोनियंस, वेरी गुड. स्मूथ मसल, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही. स्मूथ मसल इंटेस्टाइन में होती है. चलो स्पीड 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 स्पीड. Which of the following animals has two separate circulatory pathways? बताइए. Two separate, whales, mammals, systemic and pulmonary. यार ऐसे सवालों में तो लल्लूपन मत करो अभी, मतलब लोग देखते हैं यार बाकी चैनल वाले भी, ऐसा लल्लूपन तो मत अभी जताओ ना प्लीज कि बाकी लोग देखें बायोटोनियंस का हाल. सुपरटोनियन एक स्पेशल लेक्चर आ रहा है आप लोगों के लिए, सुपरनोवा, सुपरटोनियन. टर्गस टर्ना प्लूर ऑफ कॉकरोच आर जॉइंड बाय सीमेंटिंग लूप, मस्कुलर टिश्यू, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, कार्टिलेज. महालल्लू सवाल आ चुका है. यस yes? चले. टर्गस टर्ना प्लूरा आर जॉइंट में सीमेंटिंग लूप, मस्कुलर टिश्यू, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, कार्टिलेज. बहुत इजी क्वेश्चन है. आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, वेरी गुड. ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन. चलो, choose the correctly matched pair. Tendon, specialized connective tissue, adipose tissue, dense connective tissue, areolar tissue, loose connective tissue, cartilage, loose connective tissue. बताओ. टेंडन एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है. करेक्टली मैच्ड. एरियोलर टिश्यू एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है. वेल डन. 22. बिल्कुल ले सकते हो निकेत, आप मंडे को क्रैश कोर्स ले सकते हो गाइस. एंड सिर्फ ये सोचना बच्चों कि यार 7,000 वर्सेस हाउ मच ऑफ पेड सीट विल कॉस्ट यू, एंड यू कैन टेक इट ऑन माय नेम इन द सेंस, मतलब आई विल नेवर मिसगाइड यू, यू नो दैट. मैं आपको कभी भी कुछ ऐसा नहीं दूंगी यार कि ले लो जिससे मुझे फायदा हो रहा है बट यू नो किसी काम का नहीं है. आई विल नेवर डू दैट. यू विल एंटर द कोर्स एंड यू विल सी द लेवल एंड यू विल फील द लेवल इंप्रूवमेंट इन योर लेवल, तब आप सोचना. Yes. What external changes are visible after the last molting? Last molt के बाद वो fly कर सकते हैं, इसलिए tegmina, four wings, hind wings develop कर जाते हैं. चलिए हाफवे मार्क पे पहुंच चुके हैं. 20 more questions. Speed. 20 questions 10 minutes में कर सकते हैं. 30 seconds. Select the correct statement from the ones given below with respect to the cockroach. Nervous system dorsally consist of segmentally arranged ganglia. Dorsal होता है कि ventral होता है. Males wear a pair of short thread-like anal styles. 16 very long malpingian tubules present at the midgut and hindgut. Grinding of food is carried out only by mouth parts. No. Grinding कौन करता है बताओ? गिजर्ड क्या करेगा फिर अगर सिर्फ माउथ पास ग्राइंड करेंगे तो? वेरी गुड, ये तो हमने थोड़ी देर पहले भी किया, मेल्स के पास एनल स्टाइल्स, वेरी गुड करेक्ट वन, गिजर्ड। अक्षी पलक, लॉट्स ऑफ लव बैक टू यू, राइट टू यू बैक एट हिमाचल प्रदेश। युविका खुशी, व्योला सास्वता, मंजीत मोदी जी घर दो, मेघा चंचल एंड स्नेहिता। चलो मैम टेलीग्राम पर है ना बेटा, 24th no Alia, but you can get some scaling done. Which of the following is correctly states as it happens in the common cockroach? Oxygen is transported by hemoglobin in the blood. Nitrogen excretory product is urea. The food is ground by mandibles in gizzard. Malphigian tubules are excretory organ projections out from the colon. Very good. Correctly states. सर मैंने आंसर एक तरह से लीक कर दिया था, वेल डन। चलिए अगला सवाल 25th। The kind of epithelium which forms the inner lining। अरे यार लल्लू सवाल, एंडोथेलियम क्या है बताओ? Easy, the peasy, the lemon, the squeezy. Easy. Squamous epithelium, which is referred to as endothelium. Lovely. Next question. 26, speed up। The epithelial tissue present on the inner surface of bronchioles and fallopian tubes is inner surface। Movement of the zygote। चलो 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 स्पीड बढ़ाओ, देखने दो क्या कर दे मेरे बच्चे, कितनी तबाही मचाई है इन्होंने चैट सेक्शन में। जुबी चलो 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 थोड़ी सी यार, अगली बार तो 20 सेकंड दे दो। हिंट दे दिया वानी मैम ने, अब तो सारे ठीक होने चाहिए। मैं 6 मिनट में सेशन एंड कर दूंगी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मुझे मतलब स्पीड बढ़वानी है आप लोगों की। एक्सेलेंट सी फॉर सिलिएटर। चलो नेक्स्ट वन 27th ऑफ टोटल 44। सेल जंक्शंस, जोन ऑक्लूडेंस, टाइट जंक्शंस, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव एपिथेलियल, न्यूरल, कौन सा जो पुल करने के बाद सेपरेट नहीं होना चाहिए? चलो 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 You're the best. You simply are the best. Epithelial tissue, excellent. Epithelial ऐसे करके वरना एपिथेलियम बाहर आ जाएगी। मल्टीपल लेयर्स होती है। Stratified forms keratinized epithelium. You need to tightly link them with each other. चलो in which of the following preparations are you likely to come across cell junctions more frequently? Serrated epithelium, thrombocytes, tendon, hyaline cartilage. जियो मेरे बच्चों, cell junction ciliated epithelium, they need to be very tightly linked with each other. Thrombus epithelium है यार, मेरे को बताओ प्लेटलेट सेल जंक्शन बना के क्या चलेंगे, मार्च पास्ट करेंगे, टेंडन नहीं होगा, हाइलेट कार्टिलेज नहीं होगा, चलो चलिए। Areolar connective tissue joints. Areolar. Integument skin, integuments with muscles, areolar, loose areolar connective tissue right under your skin, areolar आज की क्लास में तो बताया था। क्वेश्चन नंबर 30th। Myelin sheath is produced by myelin sheath. Schwann cells and oligodendrocytes. Schwann cells produced in the peripheral nervous system, oligodendrocytes produced in the central nervous system. The only difference is this. Chalo, 31. In male cockroaches, sperms are stored in which part of the reproductive system? Arre yaar, repeat ho gaya na? Repeat hua na? Repeat hua na? Repeat hua na? बताओ 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 कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी जल्दी, तो इतना छोटा कमेंट सेक्शन में रिफ्रेश करना पड़ता है वरना कमेंट्स आते नहीं ऊपर। यस, वेरी गुड गाइस, पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा, नालायक हो। स्पीड 29 में एंड करने वाले सेशन इस क्वेश्चन के बाद, मतलब आप लोगों की स्पीड में कमी रहेगी। अगली बार तो 90 क्वेश्चन 1 आवर, जितने क्वेश्चन होंगे ठीक है। Seminal cycles. चलो थोड़ा जल्दी 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 जल्दी। 32. 12 क्वेश्चन बचे हैं guys. Which of the following features used to identify male cockroach from female cockroach? Repeat. Repeat, 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 repeat. And guys, everybody make sure that you're liking, sharing, subscribing. Make sure each one of you is becoming a part of WeBiotonic. This is your channel. This is your home. This is the channel that you need to make sure that your bio is super amazing, strong. Yes? Chalo. Which of the following features is used to identify male cockroach from a female cockroach? Presence of caudal styles, anal styles, caudal styles, right? Cauda is tail, cauda equina, anal styles towards the tail region. Huh. The body cells in cockroach discharge the nitrogenous waste in the hemolymph, mainly in the form of give me repeat question. चलो टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू डेंस है, एरियोलर टिश्यू लूज है, कार्टिलेज लूज है। चलो लूज कनेक्टिव टिश्यूज, एरियोलर, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। Fifth, ciliated inner lining, moist surface of buccal cavity. Come on, guys. Hats off guys, you're so used to giving 90 questions. आप सोचो आपके अंदर tenacity develop हो रही है बैठने की कि you're sitting. It's not easy to solve 90 questions with the same dedication. फिर से काफी बच्चे भाग चुके हैं. PCT has cuboidal epithelium. PCT has cuboidal epithelium. काफी बच्चे भाग चुके हैं guys. 36 question. चलो, it's not easy. Literally hats off guys. Hats off. Proud of you. मेरा chat section अटक गया. चलो आप करो सॉल्व, में चैट सॉल्व करती हूँ। Ciliated columnar cells in humans are known to occur in कहाँ होते ciliated columnar cells? चलिए Ciliated columnar epithelium बहुत इजी है. Bronchioles and fallopian tubes, स्पेशली PCT, अभी तो बताया PCT में होंगे, राइट? 37th. Thanks Atif. Which of the following is the correct pairing of a body part and the kind of muscle tissue that moves? Heart wall, involuntary unstriated muscle, biceps of upper arm, smooth muscle fibers, abdominal wall, smooth muscle, iris, involuntary smooth muscle. क्वेश्चन परमानेंट याद रहेंगे अभी से, परफेक्ट. चलो which of the following is the correct abdominal wall? Abdomen nahi beta, abs wali wall is not voluntary. No, smooth muscle nahi hai. Yes, the muscles of the tract are involuntary, not the abdominal. Iris, you cannot control it. Chalo 38th. सेल जंक्शंस को टाइट एडहेरिंग गैप कहाँ होती है? मस्कुलर कनेक्टिव एप. यार इस क्वेश्चन को मैं आज की क्लास में 4 बार करवा चुकी हूँ. अब भी जिस बच्चे ने गलत किया ना, मतलब गड़बड़ है. यस, चलिए. You can't make a mistake now. You can't make a mistake. Epithelial tissue. Well done. Guys, questions क्यों नहीं हो रहे हैं? एक सेकंड, आप comments भी ढूंढ रहे हो साथ-साथ. The kind of tissue that forms a supportive structure in our pinna. कुछ नहीं हुआ यार, 635 में बीच में नहीं छोड़ सकती. लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, बताओ. ये रॉसिकल्स Male का step is vertebrae, nails. What is it? You answered. You answered. You answered. You answered. You answered. 5, 4, 3, 2, 1. Speedy, Yasmin, Khushi, Mushaira, Ivar, Divya, San. Well done. Guys, कल PTM मिस नहीं करनी है. Tip of the nose. 40th. 4 more questions to go. That's it. Just 4 more questions to go. In which of the following preparations are you likely to come across cell junction most frequently? यार ये कितनी बार आएगा? जुबी जुबी बताइए. बताइए बताइए बताइए. इसको तो आपने रट्टा मरवा दिया अभी तक. यस डन. एक्सीलेंट. सिलेट ये तो सो चुके हैं. हाइलैंड कार्टिलेज सोए हुए बच्चे हैं ये. 41. एरियोलर टिश्यू किसको ज्वाइन करेगा? एरियोलर कितनी बार करोगे यार? ये मैं नहीं करवा रही. इंटेग्रमेंट विद मसल्स है, हम कर चुके हैं. बी 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 बी. 42. मास सेल्स. गुड क्वेश्चन. बताओ मास सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? Hippurine, myoglobin, histamine, hemoglobin. Heparin, histamine, serotonin, 3 चीजें secrete करते हैं. That brings us to the second last question of the day. Very well. And after this, we will come to the last question and then leaderboard. चलिए. Pistils fuse together, formation of gametes, hyphae of higher ascomycetes, unisexual female flower. पानी पी लेते हैं. ओके प्रतीक जैन जी लीजिए. चलो चलो स्पीड 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 स्पीड. फ्यूज टुगेदर sin, formation of gametes genesis, hyphae of higher ascomycetes. दो done. Dikaryon. And second unisexual female flower, pistillate. Pistillate. So answer should be D. Perfect. That will bring us to the last question. Chalo. अरे ये क्या हो गया? धोखा हो गया ये तो. Last question is the same and that brings us to the leaderboard for today's class. Akshi, Palak, Yuvika, Khushi, Viola, Saswata, Megha, Snehita, Aki and Ridhish Modi. मान गए यार. टी शर्ट के पीछे तो मतलब ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया. Akshi, proud of you. Proud, 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 proud. Super proud of you. But guys, डोंट फॉरगेट कि कल हम अपनी पीटीएम कर रहे हैं और कल सुबह मैं आपको नेगेटिव मार्क्स को अवॉइड करने का तरीका बता रही हूं. परसों हम अपना सुपर अमेजिंग इग्नाइट बैच लॉन्च कर रहे हैं. एनसीईआरटी का फुल रिवीजन मंडे 9 PM. डोंट फॉरगेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. डू गेट इन टच विद मी ऑन कंपैशन एटीट्यूड एट द टेलीग्राम. एंड नीट का सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलिएगा. VD Pro for your Pro membership if you want to join the Pro membership, and VD NEET for your crash course. Just try it once. आज के लेक्चर में मैंने multiple times बात की है. बहुत amazing courses हैं. Physics, chemistry को मत छोड़िए. Notes बनाइए, doubts solve करवाइए, अपने टेस्ट दीजिए. सो प्रो मेंबरशिप का कोड है आपका VD Pro. टेक इट फॉर 1 month and at least VD NEET का क्रैश कोर्स मेंबरशिप. दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अपनी रैंक्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा. राइट. आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग शार्प एट 10 o'clock टू सी दैट व्हाट टॉप सीक्रेट्स शुड बी अवॉइड टू अवॉइड एनी नेगेटिव मार्क्स. बाय. सी यू. बाय गाइस. बाय. And don't forget to become a part of me Biotonic. तो कर दीजिए like, share, subscribe. Bye. Hit the like, share, subscribe button now. Bye.